नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज शॉर्ट्स। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद से ही लगातार जो है इसकी जांच कराई जा रही है और एक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं। ऐसे में चाहे वो डीएसपी रंजीत कुमार रजक हो या फिर उनसे जुड़ा कोई और तार हो या फिर बात कपिल देव की हो, हर कोई को खोज कर ढूंढ कर निकाला जा रहा है। ईओयू इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से ले रही है और एक एक पर्दे को, एक एक पड़ी गांठ को सुलझाने में जुटी हुई है। इसी बीच आपको बता दें कि जब से कपिल देव गिरफ्तार हुआ है, कई सारी बातों का जो है खुलासा हुआ है, कई सारे बात सामने आए हैं। और इसी कड़ी में एक बात पता चला है कि कपिल देव बस बीपीएससी परीक्षा का ही प्रश्न पत्र लीक नहीं करता था, बल्कि वो और भी कई सारे ऐसे एग्जाम है जिसका प्रश्न पत्र लीक कराने में उसकी संलिप्तता पाई गई है। आपको बता दें कि बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार शातिर कपिल देव कुमार बोकारो के चंदन क्यारी स्थित फिटनेस फर्स्ट जिम में छिप कर रह रहा था। ईओयू की एसआईटी ने कपिल देव को इसी जिम से गिरफ्तार किया है। ये जिम कपिल देव के दोस्त के एक रिश्तेदार का बताया जा रहा है। कपिल देव प्रयागराज में सीजीडीए में आईटी एवं सिस्टम डिवीजन में ऑडिटर के पद पर कार्यरत है। कपिल देव ने एसआईटी की पूछताछ में अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भी सेटिंग और धांधली कर परीक्षार्थियों को पास कराने की बात को स्वीकार की है। बीपीएससी प्रश्न पत्र को लीक करने वाले गया के रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल शक्ति ने व्हाट्सएप पर भेजा था इन्हें प्रश्न पत्र। और ईओयू के अनुसार कपिल देव बाराचट्टी का रहने वाला है और शक्ति का सहयोगी है, यानी कि दोनों की मिली भगत से जो है ये प्रश्न पत्र को आउट किया गया था। पहले जो है इवनिंग कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो इनको इसको जो है प्रश्न पत्र भेजते हैं बीपीएससी 67वीं का, उसके बाद ये बाकी गिरोह को वो प्रश्न भेजता है। आपको बता दें कि ईओयू के अनुसार कपिल देव की गिरफ्तारी के लिए 9 जून को प्रयागराज में की गई छापेमारी में वो बच निकला था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो दिल्ली, लेह लद्दाख और नेपाल में छिपता रहा। शक्ति ने परीक्षा से पहले सुबह 10:30 बजे प्रश्न पत्र कपिल देव को व्हाट्सएप पर भेज दिया था। इसके बाद कपिल देव ने अपने मित्रों सहयोगियों को ये प्रश्न पत्र फॉरवर्ड कर दिया और उसके बाद से ही प्रश्न पत्र लीक का जो मामला उजागर हुआ और ये सारे लोग एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। और बीपीएससी के साथ साथ कई और पर्ते भी खुल रही है, कई और गांठें भी खुल रही है, कई और चीज़ों का पता चल रहा है कि आखिरकार ये जो शातिर है, ये जो अपराधी है, वो और किन किन चीज़ों में संलिप्त है, वो और कौन कौन से कांड करके बैठ चुके हैं। ये तो बात बस बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा की है, क्योंकि पीटी परीक्षा का जो प्रश्न पत्र लीक आया पूरा विवादों में घिर गया कि आखिरकार इतना बड़ा परीक्षा जिसमें इतने बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, वो परीक्षा का प्रश्न पत्र कैसे लीक हो सकता है। ये बिहार की इज्जत का सवाल है। लेकिन इस मामले को जो बीपीएससी हो चाहे ईओयू की टीम हो, पूरी गंभीरता से इस चीज़ को लिया गया और उसके बाद हर एक चीज़ को खंगाला गया, एक एक अपराधी को दबोचा गया, उससे पूछताछ की गई और धीरे धीरे इसमें गिरफ्तारी का जो संख्या है वो बढ़ता जा रहा है। चाहे वो इवनिंग कॉलेज के प्रोफेसर हो या प्रिंसिपल हो, या फिर बात करें हम डीएसपी रंजीत रजक का हो, या फिर उनके सहयोगी का हो, या फिर अब जो नया नाम आया है कपिल देव का हो, और इनसे भी जुड़े कई सारे और तारों का पता चल रहा है जिनकी भी गिरफ्तारी होने वाली है, इसकी भी बातें निकल कर सामने आ रही है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही नीचे दिए गए नंबर पर हमें जरूर मैसेज करें, इससे आप बिहार की तमाम खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। धन्यवाद।